Energy Live, a platform to sharing your thoughts. Citizenship Amendment Act लाकर के हमें दिया है और ये सारा नैरेटिव आज वामपंथी कैप्चर कर रहे हैं जो कि साकार कर रहा है और कह रहा है एक इंच सीए से पीछे नहीं हटेंगे और आप सड़कों पे आओगे तो सड़कों। नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी संगठनों ने आज राजधानी जयपुर में एक धरना दिया है, समर्थन किया है बिल का। साथ ही यहाँ राजस्थान में गहलोत सरकार ने जिस तरह से घोषणा की है कि इस बार जो विधानसभा सत्र है उसमें इस कानून के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया जाएगा, प्रस्ताव लेके आएंगे, इसके विरोध में यहाँ पर ये धरना दिया जा रहा है। धरना जिसमें बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता यहाँ मौजूद है और उनके साथ साथ उनके सहयोगी संगठनों के लोग यहाँ पर मौजूद है और इस नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में ये पूरा यहाँ पर धरना दिया जा रहा है। इसके जो आयोजक हैं उनमें जय आहूजा हैं इसके आयोजक, जिन्होंने पाकिस्तान से आने वाले जो विस्थापित हैं उनके लिए काफ़ी काम किया और यहाँ राजस्थान में बहुत से पाकिस्तानी जो विस्थापित हैं उनको नागरिकता दिलाई है, तो उनके लोग यहाँ पर बहुत सारे जो पाकिस्तानी विस्थापित हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे कि बिल को लेकर कई जो कांग्रेस शासित राज्य हैं उनकी सरकारों ने इसके खिलाफ प्रस्ताव लेके आए हैं, अब गहलोत सरकार भी ये प्रस्ताव लेके आ रही है, इस तरह की घोषणा की गई है। तो लेकिन ये विरोधाभास कांग्रेस के अंदर भी है कि अगर केंद्र में कोई लोकसभा राज्यसभा में बिल पास होता है तो उसे कोई राज्य सरकार इस तरह से उसके खिलाफ प्रस्ताव नहीं ला सकती। तो इस धरने का औचित्य क्या है? इस धरने का औचित्य ये है कि 2012 में राजस्थान भारत का पहला ऐसा राज्य था जहां पर राइट टू एजुकेशन में इन लोगों को एंटाइटल किया गया और गहलोत साहब ने खुद ने किया था। 2004-05 का जो नागरिकता का रिलैक्सेशन मिला था केंद्र सरकार से, यूपीए की सरकार से, वो प्रपोजल अटल जी ने बनाया था लेकिन उसका लागू जो किया था वो यूपीए की सरकार ने अशोक गहलोत साहब के कहने पे किया था। इनके गृह क्षेत्र जोधपुर में हजारों की तादाद में लोग रह रहे हैं, मारवाड़ में तो बहुत बड़ी संख्या है। कैसी इनकी बुद्धि भ्रष्ट हुई है समझ से परे है। हमने इनको आदर्श व्यक्ति मान के संस्थागत रूप से हमेशा इनका जो है प्रशंसा की इनके अच्छे कामों की, लेकिन अब चूंकि वो इन निरीह लोगों का श्राप ले रहे हैं, इनकी बद्दुआ ले रहे हैं, इसलिए हमें आके ये बताना था सबके बीच में, मीडिया के और समाज के बीच में, कि कितने पीड़ित, शोषित और प्रताड़ित बहन बेटियां, बच्चियों की जान बचा करके यहाँ पर आने वाले लोगों को नागरिकता मिलेगी तो उनसे उनका जीवन कितना बदल जाएगा, कितना सुंदर हो जाएगा। और इसी कारण से हम लोगों ने धरना किया है और इस धरने में सर्वाधिक वक्ता और सर्वाधिक श्रोता दोनों ही पाकिस्तान से विस्थापित हमारे हिंदू भाई बहन और बच्चे हैं। ज़्यादातर जो विपक्ष में, इस कानून के विपक्ष में जिस तरह का पूरे देश में माहौल है, कहीं ना कहीं जो समर्थन में या समर्थक है वो आ नहीं रहे बाहर, ये भी एक बड़ा कारण है, कितना होना चाहिए? जितने भी ऑनलाइन मीडिया पोल्स हुए हैं या ट्विटर पे पोल्स हुए हैं या और किसी फेसबुक पे पोल्स हुए हैं, सोशल मीडिया भी समाज का रिफ्लेक्शन है, सभी में 70-80% तक वोट सीए के पक्ष में डलता है और देश भर में अब तक लाखों की संख्या में लोग निकल के इसके पक्ष में अलग अलग प्रदर्शन, धरने और धन्यवाद यात्राएं कर चुके हैं। तो मुझे नहीं लगता कि जो एक तबका जकात के पैसे से इसके खिलाफ मूवमेंट को चला रहा है वो तबका कोई बहुत बड़ा है भारत में। और पाकिस्तान के मुसलमान के लिए सिंपैथी क्यों? वो क्या लगते हैं हमारे? भारत का हर मुसलमान हमारा भाई बहन है, पर पाकिस्तान के मुसलमान को भारत में रियायती समय में नागरिकता मिलनी चाहिए, इसका क्या तर्क है? तो ये कांग्रेस की जो बैंकरप्ट लीडरशिप है केंद्र में, मानसिक रूप से दिवालिया लीडरशिप है, ये उनके ताबूत में आखिरी कील होगी हमें ऐसा लगता है। हमने कभी कांग्रेस बीजेपी का भेद नहीं किया, हमने अच्छे लोगों की सदैव प्रशंसा की है, गहलोत साहब की भी की है, लेकिन इस कुकृत्य के लिए हम गहलोत साहब की सरकार के एकदम सम्मुख और विपक्ष में खड़े हैं, सामने खड़े हैं। और एक एक बच्चे को जब तक नागरिकता नहीं मिल जाती पाकिस्तान से आए हुए को, तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। यहाँ भी क्योंकि लोकतंत्र पर संख्या बल को भी तवज्जो दी जाती है, यहाँ भी जितना होना चाहिए उतने लोग आए नहीं। देखिए, कोई पॉलिटिकल धरना नहीं है, हम एक छोटी सी संस्था है, हमारे पास लिमिटेड संसाधन है, जितने हमारे पास क्षमता और संसाधन है उसके अनुरूप हमने व्यवस्था की है। हमारे पास जकात का पैसा नहीं आता जो धार्मिक इंस्टीट्यूशंस खर्च करते हैं देश की सरकारों के विरोध के लिए। हमारे पास तो आपके मेरे जैसे आम व्यक्ति का मेहनत से कमाए हुए पैसे के अंदर से मिला हुआ छोटा छोटा अंश है, तो हमारी जितनी क्षमता है उतना बड़ा कार्यक्रम हमने किया है, हम कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है।
तो ये हैं जय आहूजा जिन्होंने ये पूरा कार्यक्रम आयोजित किया है, और यहाँ पर बहुत सारे लोग जो पाकिस्तान से आए विस्थापित हैं जिन्होंने वहाँ पर मुसीबतें झेली, परेशानियाँ झेली, उन्होंने भी यह मंच पर अपनी व्यथा सुनाई। और आज जिस तरह से हमारे तीन देशों में पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, इन देशों में जो अल्पसंख्यक जैन, बौद्ध, ईसाई, पारसी, ये जो निवासी उन लोगों के साथ जिस तरह की जो जातियाँ हो रही है उनको नागरिकता देने का काम भारतीय जनता पार्टी सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। आज तुष्टिकरण की नीति अपनाते हुए वामपंथी और कांग्रेस के इस सरकारें जिस प्रकार से इस बिल का विरोध कर रही है, इस बिल के माध्यम से, इस एक्ट के माध्यम से नागरिकता देने का ये अमेंडमेंट एक्ट बना है, न कि नागरिकता लेने का। आज जिस तरह से अभी एक गीता देवी जो पाकिस्तान में विस्थापित थी और बड़े लुक छुप के जातियां सहन करते हुए वो भारत में आकर पहुंची, और आज भी वो ये इंतजार करिए कि मुझे नागरिकता मिले। अभी उसके उद्बोधन में हमने देखा जिस करुणामयी दृष्टि से, जिस करुणा के साथ वो अपना व्यक्त कर रही थी, ऐसे एक हजारों लोग जो जब पाकिस्तान और भारत का जो विभाजन हुआ उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जो भारत के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने धर्म के आधार पर देश को बांटने का काम किया। और आज जो कांग्रेस के लोग ये धर्म के नाम पर इसको बंटवारे का नाम दे रहे हैं, तो हम पूछना चाहते हैं कि धर्म के नाम पर बंटवारा करने का काम किसने किया? आज कांग्रेस ही जो कांग्रेस ने जवाहरलाल नेहरू जी ने धर्म के आधार पर देश को बांटा, आज उसी का परिणाम है कि हम उसको भुगत रहे। अगर ये धर्म के आधार पर नहीं बनता तो आज हमारा भारत एक होता, किसी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं आती है। पर जब आज धर्म के आधार पर भी विभाजन हो गया, महात्मा गांधी ने उसी समय कहा था कि जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान में लोग रह रहे हैं और वो जो लोग भारत आना चाह रहे हैं, तो भारत सरकार का दायित्व बनता है उनको यहाँ लाए, उनको स्थापित करे, उनको नौकरी दे, उनका जीवन यापन की व्यवस्था करे। यहाँ पर जिस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घोषणा की कि वे राजस्थान में इस कानून को लागू नहीं होने देंगे और विधानसभा में उसके खिलाफ प्रस्ताव लाएंगे, हालांकि इस पर विरोध आभास है कि संसद में जो कानून पास होता है बहुमत से, उसे किसी भी राज्य में राज्य सरकार उसे रोक सकती है या उसे अपने राज्य में लागू नहीं कर सकती। इसके ऊपर अभी विवाद है, बहस का ये विषय है, लेकिन इससे राजस्थान में जरूर राजनीति उफान पर है और सीए के समर्थन और विरोध में दोनों पक्ष यहाँ काफी सक्रिय है। कैमरामैन एहसान अली के साथ बीके शर्मा, सिटी लाइव जयपुर। सिटी लाइव, अ प्लेटफॉर्म टू शेयरिंग योर थॉट्स।